नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी यानी कि होता है भारतीय राज व्यवस्था। इसके अंतर्गत हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चल रही है, वो एक दो लेक्चर और बचे वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आएंगी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि असंवैधानिक निकाय हम पढ़ेंगे, जैसे कि नीति आयोग हो गया और कुछ अन्य जो आयोग होते हैं, जैसे कि एनएचआरसी, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का न्याय, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं भारत का महान्यायवादी, यानी कि भारत का महान्यायवादी किसे बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये वर्क करते हैं। तो सारी चीजें हमको क्लियर हो जाएगी जब तक लेक्चर एंड होगा। वो सारी चीजें अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में आती है वो सारी चीजें हम देख लेंगे, और कम समय में हम ज्यादा डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, अगर बात करूं यहां तो संविधान की, संविधान में आर्टिकल नंबर 76 में वर्णन किया गया है या फिर डिफाइन किया गया है कि एक महान्यायवादी का पद होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, किसका, भारत के अंतर्गत। तो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। तो ये क्वेश्चन भी काफी पूछता है। देखिए दो क्वेश्चन आगे आपके, देखिए अनुच्छेद नंबर 76 यानी कि 76 अनुच्छेद जो है किससे रिलेटेड है, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड, मतलब एक महान्यायवादी का पद होना चाहिए। और जो महान्यायवादी है वो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा, नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अब राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा नियुक्ति की जाएगी तो कैसे की जाएगी, उसके लिए कुछ योग्यताएं होना जरूरी है। तो योग्यताएं कैसी रहेगी, जो उच्चतम न्यायालय की योग्यता थी, मतलब उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनको बनने के लिए जो भी योग्यताएं लगती थी वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए यहाँ पे, तभी वो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के पद पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट किया जा सकते हैं। मतलब यहाँ देख सकते हैं, देखिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वहां पर जो सेलेक्ट किया जाएगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो हम देखते आ रहे हैं शुरू से अभी। उसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनने काम करा हो तो इसकी जो अनुभव होना चाहिए 5 वर्ष का होना चाहिए, या फिर वकील के रूप में अगर काम करा, वकालत करा है, तो उसका अनुभव 10 वर्षों का होना चाहिए। तो दोनों चीज में से कोई भी होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसके अलावा राष्ट्रपति अगर यहाँ पे क्या कर ले, उसको योग्य साबित कर ले कि भाई उसके मत हो कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसको ज्वाइन करा लो, तो ये होना चाहिए। या तो यहाँ पे ये 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय के, या फिर उच्च न्यायालय में वकील का होना चाहिए 10 वर्षों का, या फिर राष्ट्रपति उसे सेलेक्ट कर ले। तो तीन चीजों में से एक होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। ये चीज हो गई किसके लिए, क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता के लिए, किसकी, महान्यायवादी। और इसको नियुक्त करने के लिए कौन है, राष्ट्रपति महोदय। इसके अलावा उसके कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, मतलब हटाने की जो व्यवस्था है उससे लेकर कोई भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं दी गई है। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं, मतलब राष्ट्रपति आज चाहेंगे कि भैया हट जाओ अपने पद पर तो ये हट जाएंगे, तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा इनको किसी भी समय हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति को यह त्याग पत्र सौंपेंगे तो भी ये अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ देखिए अभी गवर्नमेंट चल रही है वर्तमान में और उस समय महान्यायवादी है, तो परंतु क्या होता है कभी कभी गवर्नमेंट जो है त्याग पत्र दे देती है या फिर गवर्नमेंट बदल जाती है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है ये जो होते हैं अपने पद को त्याग देंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन होगा, इनकी नियुक्ति की जाएगी सरकार की सिफारिश पर ही की जाएगी। तो अगर सरकार बदल जाएगी तो सिंपल सी बात ही अपने पद को त्याग देंगे। तो यहाँ देखिए सरकार अगर त्याग पत्र दे देती है या फिर सरकार बदल जाती है या फिर नए कार्यकाल के लिए आती है तो उस समय ये जो है अपने त्याग पत्र या फिर ये अपने पद से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा की जाती है। इनके जो वेतन भत्ते है वो तय नहीं है तो कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा इनके वेतन भत्तों को। कार्य और शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं किसकी, अटॉर्नी जनरल की। तो कार्य और शक्तियां क्या हो सकती है इसकी, भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में ये नियुक्त किए जाते हैं, और इनके कर्तव्य क्या होते हैं, जो भी विधि से संबंधित विषय होते हैं भारत सरकार को, विधि से संबंधित जो भी विषय होते हैं उनको सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कुछ और चीजें सौंपी जाती है, जैसे कि हम देखें तो विधिक रूप से ये अन्य कर्तव्य भी होते हैं जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सौंपे जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड भी यहाँ पे सलाह देना या जो भी अपने कर्तव्य उसका निर्वहन करना। इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे देखिए संविधान के अंतर्गत या फिर किसी अन्य विधि के द्वारा जो कर्तव्य प्रदान किए गए हैं उनका निर्वहन करना, तो तीनों काम किसके द्वारा किए जाते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा।
और ये मुख्य कानून अधिकारी होते हैं भारत सरकार के अंतर्गत, सर्वोच्च कानून अधिकारी बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ कार्य और होते हैं जो कि राष्ट्रपति सौंपता है किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, यानी कि महान्यायवादी को। तो यहाँ देखिए, भारत सरकार की ओर से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहां पर भारत की ओर से पेश किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 143 के तहत क्या किया जाता है, जो राष्ट्रपति होते हैं उन उसके द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना इनका काम होता है, ठीक है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, महान्यायवादी। अगर बोला जाता है कि सरकार को फटकार लगाई, सरकार को फटकार नहीं लगाई, किसको लगाई, महान्यायवादी को, क्योंकि प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, महान्यायवादी कर रहा है। तो आप समझ जाना, जब भी बोला जाएगा न्यूज में कि भाई सरकार को फटकार लगाई तो किसको लगाई, महान्यायवादी को। और महान्यायवादी किस में आते हैं, 76 आर्टिकल में आते हैं। सरकार से संबंधित जो किसी भी मामले हैं वहां पे उच्च न्यायालय में भी सुनवाई करने का अधिकार इनको दिया गया है। तो ये तीन यहाँ पे पावर हो गई, तीन मतलब कार्य हो गए और तीन पीछे हमने देखे हैं। इसके अलावा कुछ अधिकार है और कुछ सीमाएं हैं वो हम देख सकते हैं। तो सीमाओं की अगर बात करें, लिमिटेशंस की, तो जहां भी भारत सरकार का मामला आ रहा है तो उसके अपोजिशन में नहीं जाना है, ये चीज आप याद रख लीजिए। तो यहाँ देखिए, भारत सरकार के किसी भी क्षेत्र में, किसी अदालत में, देखिए यहाँ सुनवाई करने का अधिकार है इनको। लिमिटेशन हम आगे देखेंगे। ये जो है मतलब किसी भी अदालत में भारत सरकार के अंतर्गत महान्यायवादी जो है सुनवाई करने का अधिकार उनको होता है। दोनों सदन होते हैं, देखिए उच्च सदन और लो मतलब जो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं निचला सदन, मतलब लोकसभा हो सकती है और राज्यसभा हो सकती है। तो दोनों ही सदन में कार्यवाही में भाग लेना, संयुक्त बैठक में भाग लेना, परंतु बिना मताधिकार के, मतलब वोट डाल सकते क्या, नहीं, बिना वोट डाले ये सारी चीजों के संबंध में यहाँ अधिकार है इनको कि भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु यहाँ पे इनको मत देने का अधिकार नहीं है। ये ऐसा कैसे होते हैं, संसद सदस्यों की तरह वेतन भत्ते इनको प्राप्त होते हैं, मतलब विशेष अधिकार, वेतन भत्ते जो भी होते हैं वो संसद सदस्यों की तरह यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ मैंने बताया था, जब भी भारत सरकार का मामला हो तो उसके विरुद्ध में नहीं जाना है। किसका काम है ये, मतलब इसकी लिमिटेशंस है अटॉर्नी जनरल की। तो देखिए, भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं करना, जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, और बिना भारत सरकार की अनुमति के वो आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव भी नहीं कर सकता। इसके अलावा बिना सरकार, भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण तो कर सकता, मतलब अपनी नौकरी के पश्चात ये जो है किसी अन्य जगह पर सरकारी पद पर ग्रहण कर सकता, परंतु भारत सरकार की अनुमति के बगैर नहीं कर सकता। इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखिए पूर्णकालिक वकील तो नहीं है ये, भारत सरकार का वकील इसे बोला जाता है, परंतु पूर्णकालिक है क्या, नहीं, एक प्रकार से ये कभी भी इसको हटाया जा सकता है। तो पूर्णकालिक नहीं है तो इसलिए यहाँ पे वो है निजी विधिक कार्यवाही से भी उसको रोका नहीं जा सकता, निजी जो भी कार्यवाही होती वो अपना जो है कर सकता है। तो यहां पे ऐसा बोला गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसी के तहत है। अब ये इसका जो वर्णन है, यानी कि भारत का महाधिवक्ता बोलते हैं जिसे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और कुछ अदर है, अदर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। तो तीन चीज हो गई, जैसे देखिए अटॉर्नी जनरल हो गया, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल हो गया, और कुछ अदर सॉलिसिटर जनरल हो गया। तो यहाँ देखिए तीन जो हो गए, तीन सदस्यों की एक वो बन गई यहाँ पर ग्रुप, जो कैग होता है उसके, मतलब एक प्रकार से अटॉर्नी जनरल होता है उसके अंतर्गत। यहाँ देखिए, तो ये जो सॉलिसिटर जनरल है उसका वर्णन किया गया कि संविधान में नहीं किया गया, मतलब जिस प्रकार 76 आर्टिकल के तहत महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे देखिए महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता इनका उल्लेख नहीं किया गया। ये ऐसा कैसे होते हैं, महान्यायवादी की जो जिम्मेदारी होती है उसकी सहायता करने के लिए यहाँ पे इनको ज्वाइन कराया जाता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने सारी चीजें देखे हैं, तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा कौन सा आएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मतलब एक स्टेट का एक एडवोकेट जनरल होता है, मतलब जिस प्रकार हमने देखे हैं भारत का वकील होता है उसी प्रकार, मतलब गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका वकील होता है, उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी वकील होता है, जिसे हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था हमारा कंप्लीट हो गया है इसमें, तो लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके चैनल के पार्ट बन सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।